Hi students, this is Bharat Sharma. Now I am going to teach you basic grammar. We are starting from today basic grammars, and you have to listen it carefully. आपको basic grammar सीखने के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोलूँगा क्योंकि English बोलने में उन्हीं को आसानी रहती है जिनको English आती है. Beginners को हिंदी की ज़रूरत पड़ती है. तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पहले सारे वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे जितने भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. हम बेसिक शुरू करेंगे अल्फाबेट्स के साथ. देखिए, हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक तो होते हैं वॉवल्स, जिनको हम हिंदी में स्वर बोल सकते हैं, और एक होते हैं कंसोनेंट्स. कंसोनेंट्स को हम व्यंजन हिंदी में बोल सकते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा सारे लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन कौन से हमारे वॉवल्स हैं, कौन कौन से कंसोनेंट्स हैं. देखिए, ए सबसे पहला लेटर है. ए फॉर एप्पल बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला जो लेटर है ए, ये वॉवल भी है. जहां पे वॉवल है मैं वहां पे वी लिख देता हूँ पेन से. ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी कंसोनेंट है, C for cat consonant, B for dog consonant, E अगला आया E, E भी vowel है. ठीक, F consonant, G consonant, H H for hen consonant, I अब I भी vowel है, इसको भी लिख देते हैं I भी vowel. इसके बाद I for ice cream, Z for joker, K for kite, L for lion, J K L तीनों consonant हैं, और M N M for mango and N for nest M N B consonant है. अब आते हैं O पर. O is a vowel. O क्या है? ये vowel है, ये स्वर है. O for orange. इसके बाद आता है P, P for parrot या P for peacock, P for peel, R for rabbit, S for ship, T for telephone. ये सब P Q R S T क्या है? ये सारे के सारे consonant हैं. अब आता है U. अगला वॉवल क्या है? यू, ये भी वॉवल है. ठीक, अब हमारे पास कितने वॉवल हो गए? ए ई आई और यू और एक हो गया ओ. ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारे वॉवल हो गए. इसके बाद आता है वी. वी फॉर वैन कंसोनेंट, डब्ल्यू फॉर वॉच कंसोनेंट, एक्स फॉर एक्सप्रेस ट्री, ये भी कंसोनेंट है. और वाई, वाई तो देखिए ये थोड़ी सी नई बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने यूजुअली नहीं सुनी होगी. वाई भी एक वॉवल है, वाई भी एक वॉवल है. ये कभी वॉवल होता है और कभी कंसोनेंट होता है. स्पेशल वॉवल इसीलिए इसको बोलते हैं. वाई इज अ स्पेशल वॉवल. समटाइम इट इज कंसीडर्ड एज अ वॉवल, समटाइम इट्स कंसीडर्ड एज अ कंसोनेंट. अब कब इसको वॉवल कंसीडर करते हैं, कब इसको कंसोनेंट कंसीडर करते हैं, ये हम आपको बताएंगे. मेरी मन में भी यही था. और ये इसको जेड भी बोलते हैं हमारे यहाँ की लैंग्वेज में, इसको जेड बोलते हैं. वैसे इसका उच्चारण मुझे पता है, जी होता है, जी, जी फॉर ज़ेब्रा. और हमारे यहाँ वैसे इसको जेड बोलते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, अब देखिए मैं आपको इस पे समझाता हूँ नोट्स पे. सबसे पहली बात तो यह है कि ऑल इंग्लिश वर्ड्स है वॉवल्स. जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं बिना वॉवल के कोई वर्ड नहीं बन सकता. वॉवल का यूज क्या होता है? जितने भी वर्ड बनते हैं उनमें कोई ना कोई वॉवल जरूर होता है. बिना स्वर के शब्द रचना नहीं हो सकती. तो जैसे मैंने लिखा कैट पहला, दूसरा ए, तीसरा हिट H I T hit, फिर top T O P top, C U T cut. देखिए C A T इसमें A आ गया vowel, egg में E vowel, hit में I, T O P top में O vowel और C U T cut में U vowel. तो A E I O U ये पांचों vowel हमारे पांच word हमने लिखे हैं. इस तरह से सारे word आप कोई भी देखें उसमें कोई ना कोई vowel जरूर मिलेगा. ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि Y भी एक special vowel होता है. ये आपके लिए थोड़ी सी नई बात हो सकती है, इसको ध्यान से समझेंगे. देखिए मैंने यहां पे लिखा है वाई. वाई वाई माने आप जानते हैं क्यों. वाई में वाई आता है लास्ट में, डब्ल्यू एच वाई वाई. तो इसमें वाई को वॉवल माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि वाई आप अगर प्रोनाउंस करेंगे तो वाई में जो वाई है, वाई साउंड करता है आई का. वाई जब आई की तरह साउंड करता है तो वॉवल काउंट किया जाता है. ठीक, इसीलिए ये स्पेशल वॉवल हो गया. बाइसाइकल, इसमें भी साइकिल,
इसमें भी आई का साउंड करता है बाईसाइकिल में भी, सी वाई बी आई सी वाई सी आई, तो सी वाई साइकिल, तो आई का साउंड करता है, तो ये भी यहाँ वोवल हो गया है, कंसोनेंट नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीटी, प्रीटी में वाई आता है लास्ट में, तो यू जो है ये वाई जो है साउंड करता है प्रीटी लाइक ई, इसलिए ये स्पेशल वोवल हो गया। इसके बाद दो वर्ड देखिए, यू एंड यस। अगर वाई से कोई वर्ड शुरू होता है तो वो वर्ड चाहे बेशक उसके बाद में वोवल आ रहा हो या वो वोवल से पहले लग रहा हो, लेकिन अगर वाई से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो वो वोवल नहीं माना जाएगा, फिर वो कंसोनेंट में काउंट होगा। इसीलिए कभी वो कंसोनेंट हो जाता है, कभी वो वोवल हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाई को हम स्पेशल वोवल क्यों बोलते हैं। तो हमारे पास कितने वोवल हो गए, ए आई ओ यू एंड स्पेशल वोवल वाई। वाई को जब भी आप बोलेंगे तो वोवल नहीं बोलेंगे, स्पेशल वोवल बोलेंगे, क्योंकि वो कभी वोवल भी होता है कभी कंसोनेंट भी होता है। क्लियर। इसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलेंडर में हम वोवल और कंसोनेंट को पहचानते हैं। कंसोनेंट वोवल से मिलकर हमारा पूरा अल्फाबेट बने होते हैं 26 लेटर्स से। अब मैं आपको बताता हूं ए एंड एन के बारे में। देखिए ए एन क्या है, ये आर्टिकल शुरू हो गए, आर्टिकल होते हैं, इनको आर्टिकल बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। ये तीन होते हैं ए एन एन, एक होता है बी। तो अभी मैं बी की बात नहीं करूंगा, ये बाद में करेंगे, अभी ए और एन की बात करूंगा। ए और एन क्या है, इसका मतलब होता है एक के लिए, किसी एक के लिए यूज होते हैं, एंड इट इज यूज बिफोर नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और ऐसे नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं जिसका अर्थ एक हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। पहली शर्त, नाउन का अर्थ एक का हो। दूसरी शर्त कि नाउन की शुरुआत वोवल से हो रही हो। अगर वोवल से किसी नाउन की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले ए या एन आएगा, मतलब उसके पहले एन आएगा। और ए कहां आएगा, कंसोनेंट से, अगर किसी शब्द की शुरुआत हो रही है। जैसे बनाना है, बनाना, मैंने लिखा बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, तो बनाना की शुरुआत बी से हो रही है, तो बी वोवल है कि कंसोनेंट है, बी क्या है आप बताइए, वोवल है कि कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, तो बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा, कंसोनेंट के पहले ए आता है। और अब मैं कहूं एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो ये क्या है, ए, ए से शुरुआत हो रही है एप्पल की, तो वोवल है कि कंसोनेंट है, वोवल, तो वोवल से पहले एन आएगा। तो इसका क्या रूल हुआ कि अगर वोवल से वर्ड शुरू हो रहा है नाउन और वो एक को दिखा रहा है तो उसके पहले एन, और कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए आता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नाउन पे, आज नाउन तक लेंगे बस। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ग्रामर में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिर उनका डिटेल किया जाता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको नाउन बता देता हूँ। नाउन जनरली समझने के लिए हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, वस्तु का या किसी जानवर का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। नाउन के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, जब हम नाउन डिटेल में आपको पढ़ाएंगे उस वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप केवल ये जान लीजिए कि नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी जानवर या किसी प्लेस एनिमल थिंग और पर्सन या किसी व्यक्ति का नाम, ये नाउन होता है, ठीक है। तो ए और एन कहां लगता है, नाउन के पहले लगता है। कैसे नाउन के पहले, अगर मैं कहूं एप्पल्स तो क्या एप्पल्स के पहले एन लगेगा, बताइए, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एप्पल्स बहुत सारे हो गए ना, तो ए और एन का मतलब होता है एक का होना। अगर एप्पल है तो एन लगेगा, एप्पल्स हो गया तो एन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नाउन पढ़ने के लिए ध्यान से देखिए और समझिए, उसके में हम अगली वीडियो में नाउन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।